नमस्कार अभिनंदन आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। हमारे आज के नायक एक ऐसे कवि हैं जिन्हें हिंदी कविता का पितामह कहा जाता है, और मजेदार बात उनकी यह है कि खुद थे तो वो बंगाली लेकिन रचनाएं लिखी उन्होंने हिंदी में। और साहब, हमारे आज के नायक के भक्कड़पन का आलम यह था कि कबीर के बाद अगर किसी दूसरे कवि का नाम आता है इस सिलसिले में तो वो आता है हमारे आज के नायक यानी महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। नायक नायक बताऊंगा मैं आपको आज कि कैसे उनकी पत्नी ने बनाया निराला को महाकवि निराला, और ऐसा क्या लिख दिया अपने गणित के इम्तहान के पेपर में निराला जी ने कि निकाल दिए गए वो स्कूल से। साथ ही सुनाऊंगा आपको वो अमर कविता भी जो निराला जी ने लिख दी थी इलाहाबाद की सड़कों पर चलते चलते, और क्यों लगवा दिया करते थे ऑर्गेनाइजर्स स्टेज के चारों तरफ माइक्स जब होता था निराला जी का कविता पाठ। 21 फरवरी 1896 में मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल में जन्म हुआ था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। चूंकि जन्म हुआ था उनका रविवार के दिन, इसलिए बच्चे का नाम रख दिया गया सूरज कुमार। लेकिन सूरज कुमार पैदा होते ही अनाथ हो गए, जन्म देते ही माँ उनकी चल बसी। पिताजी जब तक रहे खूब लाड़ लड़ाते थे अपने बेटे का, लेकिन जब उखड़ जाते तो पिटाई भी ऐसी करते कि भूल जाते थे कि दो पत्नियों से पैदा हुआ उनका यह इकलौता बेटा है। समय गुजरता गया, पिताजी की रुखाई, घर वालों से प्यार नहीं मिलने की वजह से बालक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक अजीब से विद्रोही बन गए। स्कूल में एडमिशन हुआ, पढ़ाई में अच्छे थे लेकिन गणित के सामने फेल थे। मैथ्स के एग्जाम में बैठे तो होश उड़ गए उनके, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सवालों को कैसे हल करें। आंसर शीट खाली नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए निराला जी ने हर गणित के सवाल के उत्तर में उस जमाने के जाने पहचाने कवि पद्माकर जी की कविताएं लिख मारी। रिजल्ट जब आया तो बस स्कूल से हमेशा के लिए उनकी छुट्टी हो गई। तो कैसे पत्नी ने बना दिया निराला को महाकवि निराला। गंगा किनारे बसे छोटे से कस्बे डालमऊ में रिश्ता पक्का हुआ उनका। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन थोड़े दिन बाद जब गांव में प्लेग फैल गया तो उसी समय निराला जी के ससुर भी आए गांव में और अपनी बेटी को साथ लेकर चले गए। निराला जी को ये बात बहुत बुरी लगी। पिता ने लड़के को बुलाया अपने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को और डांट कर कहा, ससुराल जाओ, कुछ दिन वहीं रहो और तिगना खाना खाओ वहां। निराला जी भी गुस्से में पहुंच गए ससुराल, और वहां सारा दिन आराम, शाम को गाने सुनने जाना और फिर दबा कर खाना खाना। लेकिन हिंदी साहित्य पर जिन महिलाओं का एहसान है उनमें से एक नाम मनोहरा का भी है, यानी निराला जी की पत्नी का। मनोहरा जी वह महिला थी जिन्होंने सूरज कुमार को निराला बनाया। पत्नी के जोर देने पर ही उन्होंने हिंदी सीखी। इसके बाद अति शीघ्र ही उन्होंने बांग्ला की बजाय हिंदी में कविताएं लिखना शुरू किया। निराला जी क्या वाकई फक्कड़ थे या फिर हो गई थी उन्हें कोई दिमागी बीमारी? इलाहाबाद में महादेवी वर्मा के घर इंट्रोडक्शन हुआ था सुभद्रा कुमारी चौहान और निराला जी का। सुभद्रा कुमारी चौहान वही मशहूर कवियत्री जिन्होंने लिखी थी खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। एक बार सन 1943 में जबलपुर की किसी साहित्यिक संस्था ने निराला जी को आमंत्रित किया था। होली के आसपास का समय था जब निराला जी पहुंचे जबलपुर। उन दिनों निराला जी के मन का संतुलन थोड़ा बिगड़ा हुआ था। शाम के समय पहुंचे थे शहर, नहा धोकर गीले बदन ही वह केवल एक धोती पहनकर कमरे में आ गए। कमरा आदमियों से भरा हुआ था, पूरी तेजी से पंखा चल रहा था। पंखे के नीचे बैठे निराला जी ठंड से थर थर कांप रहे थे। सुभद्रा कुमारी चौहान जब वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि ठंड से कपकपाते हुए बदन पर बिना कुछ पहने निराला जी बैठे हैं और किसी को कुछ नहीं सूझ रहा है। तब सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने कहा
कि इन्हें माँ और बहन के प्रेम की जरूरत है जो इनकी आवश्यकताओं को समझे और इनका ध्यान रख सके। तो ऐसा क्या हुआ एक दिन कि महाकवि निराला बनारस की सड़कों पर देखे गए नंगे पांव घूमते हुए। 1947 में काशी विश्वविद्यालय में एक खास विशेष कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें निराला जी आमंत्रित थे, सुभद्रा कुमारी चौहान भी बुलाई गई थी। विश्वविद्यालय के इस अनूठे आयोजन में निराला जी का बहुत सम्मान किया गया। लोगों ने उन्हें रेशम का कुर्ता, जरी के काम का उत्तरीय और बढ़िया महीन धोती पहनाकर बिल्कुल दूल्हा जैसे बना दिया था। सुभद्रा कुमारी चौहान कार्यक्रम में उपस्थित थी, सारा नजारा देख रही थी। मन ही मन सोच रही थी कि निराला जी का क्या भरोसा, शिव की प्रवृत्ति वाले आदमी है, फक्कड़ सोच है, पता नहीं अगले दिन ये सारे कपड़े उतार कर किसी को दे दें। इससे तो अच्छा होता कि चार जोड़ी सादे कपड़े इनके बनवाए होते तो कुछ दिन निराला जी के काम तो आते वो वस्त्र। और अगले ही दिन सुभद्रा कुमारी चौहान जी क्या देखती हैं कि सामने से बनारस में सड़क पर निराला जी चले आ रहे हैं। निराला जी ने वही कपड़े पहने हुए थे जो सम्मान समारोह में उन्हें पहनाए गए थे। नंगे पांव चले जा रहे थे आसपास दीन दुनिया से बेखबर। तो ऐसे थे महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और इसीलिए फक्कड़पन में अगर संत कबीर के बाद किसी कवि का नाम लिया जाता है तो वो महाकवि निराला जी का ही लिया जाता है। तो कैसे एक बार इलाहाबाद की सड़क पर चलते चलते निराला जी ने लिख दी थी ये कविता जो मैं आपको सुनाऊंगा बहुत जल्द। 16-17 वर्ष की उम्र में ही निराला जी के जीवन में विपत्तियां आनी शुरू हो गई थी। उनकी माँ तो पैदा होते समय ही चल बसी थी, उनके पिताजी का भी असामयिक निधन हो गया था। और जब पत्नी की भी सिर्फ 20 साल की आयु में मृत्यु हो गई तो निराला जी जैसे टूट गए। पर परिवार के पालन पोषण का भार स्वयं झेलते हुए वे कभी अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए। उन्होंने 1942 से मृत्यु पर्यंत इलाहाबाद में रहकर स्वतंत्र लेखन और अनुवाद कार्य किया। इलाहाबाद में पत्थर तोड़ती महिला पर लिखी उनकी कविता आज भी सामाजिक यथार्थ का एक आईना है। सुनिए उस कविता की कुछ पंक्तियां। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर कोई न छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रत मन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मलिका अट्टालिका प्राकार। जी हाँ, ये कविता लिखी थी महाकवि निराला ने इलाहाबाद की सड़क पर चलते चलते पत्थर तोड़ती एक मजदूर महिला से प्रेरित होकर। तो क्या वजह थी कि जब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी करते थे कविता पाठ तो ऑर्गेनाइजर स्टेज के चारों तरफ लगवा दिया करते थे माइक्स। निराला जी की शख्सियत में कई खास बातें थीं। वो स्वयं मांसाहारी थे लेकिन जिनको मांसाहारी भोजन से परहेज था उनका भी बेहद सम्मान करते थे। एक बार परम वैष्णव राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के आगमन पर अपने कमरे में उन्हें बिठाकर महाकवि निराला जी गायब हो गए। आधे घंटे बाद जब प्रकट हुए वापस अपने कमरे में तो उनके हाथ में एक पत्तल था और कंधे पर एक घड़ा। पूछे जाने पर निराला जी ने कहा कि चूंकि मैथिली शरण गुप्त उनके यहाँ कुछ नहीं खाते पीते इसलिए वह गंगा जल से भरा घड़ा लेकर आए हैं और पत्तल में फलहारी बर्फी लेकर आए हैं। यही नहीं, निराला जी कभी भी स्थिर होकर एक जगह खड़े होकर कविता पाठ नहीं किया करते थे। एक बार एक समारोह में आकाशवाणी को उनकी कविता का सीधा प्रसारण करना था, लिहाजा स्टेज के चारों तरफ माइक लगवाए गए कि पता नहीं कब किस कोने में पहुंच जाए महाकवि निराला घूमते घूमते अपनी कविता का पाठ पढ़ते। तो ये थे हमारे आज के नायक, हिंदी कविता के पितामह महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। कल शाम 8 बजे एक बार फिर हाजिर होता हूं आपके समक्ष एक नए नायक की कहानी के साथ।
तब तक मुझे संजीव श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति. नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब बखेर, टेक केयर एवरीवन.